हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस मंच में। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? हो बहुत अच्छे से चल रही होगी। उसी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग लेकर आए हैं स्पेक्ट्रम का पूरा सार संग्रह विथ PDF। चैप्टर वाइज हम लोग कर रहे हैं स्पेक्ट्रम को, तो उसमें हम लोग कर रहे थे ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रारंभिक विद्रोह। उसका पार्ट वन हो चुका है, आज मैं पार्ट टू लेकर आई हूँ, आधुनिक भारत का इतिहास, जो कि राजीव अहिर की स्पेक्ट्रम की बुक है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट, चाहे वो इंग्लिश मीडियम में हो चाहे हिंदी मीडियम, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है ये। टू द पॉइंट इसमें मॉडर्न हिस्ट्री का दे रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं, कल के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि आगे क्या है इस चैप्टर में और कैसे हम लोग इसे समराइज करेंगे। जो व्यूवर्स पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों पर मोबाइल फ़ोन पर या आपके लैपटॉप PC किसी पर भी आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। तो हम लोग कर रहे थे ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रारंभिक विद्रोह, चैप्टर नंबर वन। इसमें हमने देखा था, इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया था, प्रारंभिक विद्रोह के सामान्य कारण, 1857 से पूर्व के विद्रोह और 1857 का विद्रोह। तो हमने कल के लेक्चर में प्रारंभिक विद्रोह के सामान्य कारण देख लिए थे, आज हम देखेंगे 1857 के पूर्व कौन कौन से विद्रोह हुए थे। एक बार आप इसे रिवाइज कर लीजिए, ये सामाजिक कारण, ये आर्थिक कारण, और 1857 के पूर्व के विद्रोह, जो कि आज का हमारा ये टॉपिक है। तो सबसे पहला विद्रोह है 1857 के पूर्व का। बहुत सारे विद्रोह हैं जो लाइन वाइज मैं यहाँ नहीं दे रही हूँ, जैसे ही स्पेक्ट्रम की बुक में दिया हुआ वैसे मैं आप लोगों को कराती जा रही हूँ। और समरी इसमें है, टू द पॉइंट मैंने फैक्ट इसमें दिए हुए हैं और मैं इसे आपको अच्छे से समझा दूंगी, ताकि आप एग्जाम में मेंस में इसे ढंग से लिख के आ पाएं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं चेरों का विद्रोह। जो चेरों का विद्रोह हुआ था, ये बिहार के पलामू जिले में हुआ था। बिहार के पलामू जिले में स्थानीय राजा और कंपनी के द्वारा, जब जागीरदार वहाँ के चेर कहे जाते थे, तो उनसे जब ज़मीनें छीनी जाने लगी, तो वहाँ के जो जागीरदार थे उन्होंने राजा और कंपनी के विरोध में विद्रोह शुरू कर दिया था। और ये विद्रोह शुरू हुआ था 1800 से और 1802 तक ये विद्रोह चला था, 1800 से 1802 तक। और इस विद्रोह का नेतृत्व जो किया था वो भूषण सिंह नामक जमींदार ने किया, इस विद्रोह का नेतृत्व। नेक्स्ट हम विद्रोह की बात करेंगे, फकीर विद्रोह, जो कि बंगाल में चला था। यह विद्रोह 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में चला था, बट 19वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों तक ये चलता ही रहा था ये विद्रोह। और इस आंदोलन के जो नेतृत्व किया था मजनून शाह ने किया था, मेन नेतृत्व इसका मजनून शाह ने किया था। आगे भी इन लोगों ने किए थे, आगे मैं बताती जाती हूँ, पहले इनकी डिटेल बता दूँ। फकीर जो थे वो बंगाल के घुमंतू धार्मिक मुसलमानों का एक समूह था, फकीर जिन्हें कहा जाता था। और बंगाल का जब विलय हो गया उसके पश्चात 1776-77 में मजनून शाह के नेतृत्व में फकीरों ने अंग्रेजी जो शासन था उसकी उपेक्षा की और स्थानीय जमींदारों तथा किसानों से धन वसूलना उन लोगों ने प्रारंभ कर दिया। मजनून शाह की जब मृत्यु हो गई तो फिर उस आंदोलन की बागडोर जो संभाली चिराग अली शाह ने। सबसे फर्स्ट थे मजनून शाह, फिर चिराग अली शाह आए इस आंदोलन में। राजपूत पठान सेना के जो भूतपूर्व सैनिक थे, इन लोगों ने इस आंदोलन में सहयोग प्रदान किया था और चिराग अली के नेतृत्व में आंदोलन और भी ज़्यादा तीव्र हो गया और इसका प्रसार उत्तरी बंगाल के सारे जिलों में हो गया। अब ये जो भवानी पाठक और इस आंदोलन में एक महिला देवी चौधरानी, भवानी पाठक और महिला देवी चौधरानी इस आंदोलन के प्रमुख हिंदू नेता थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फकीर आंदोलन मेनली मुसलमानों का आंदोलन था, बट भवानी पाठक और देवी चौधरानी दो हिंदू नेता थे इस आंदोलन के। बाद में ये आंदोलन जो चलता रहा उसने हिंसक गतिविधियां प्रारंभ कर दी और अंग्रेजों के जो ठिकाने थे वहाँ उनको केंद्र बनाया मुख्य अपने हिंसक गतिविधियों का, जिससे उन्होंने अंग्रेजी फैक्ट्रियों तथा जो भी सैनिकों के साजो सामान थे वो वहाँ पर डकैतियाँ डाली, मतलब वहाँ से गन्स चोरी किए, जो भी उनके हथियार थे वो चोरी किए वहाँ पे,
और इस कारण फकीरों और अंग्रेजों के बीच बहुत ही झड़पें हुई और 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में अंग्रेजी सेनाओं ने आंदोलन को कठोरतापूर्वक दबा दिया। फकीर आंदोलन 1918वीं सदी से शुरू हुआ और 19वीं सदी तक चलता ही रहा ये आंदोलन। नेक्स्ट हम बात करेंगे सन्यासी विद्रोह जो कि बंगाल में हुआ था। कहा जाता है सबसे पहला विद्रोह यही था, सन्यासी विद्रोह। ये विद्रोह जो 1770 होगा, यहाँ पे ये मिसप्रिंट है, 1717 नहीं है, ये 1770 है। 1770 से प्रारंभ हुआ और 1820 तक ये विद्रोह चलता रहा था। इस विद्रोह का जो मुख्य कारण था वो था तीर्थ स्थानों पर जो यात्रा करने पर जब प्रतिबंध लगाया अंग्रेजों ने, तो ये मुख्य कारण बना इस विद्रोह का। सन्यासी मुख्यतः जो हिंदू, नागा और गिरी के जो शस्त्र रखने वाले सन्यासी थे उन्हें कहा जाता था। ये कभी मराठों, राजपूतों और बंगाल और अवध के नवाबों में सेना के तौर पर कार्यरत थे जो सन्यासी थे। 1770 में बंगाल में एक भयानक अकाल आया, सूखा पड़ा और यहाँ के निवासियों को इन्होंने बिल्कुल उस सूखे ने त्रस्त प्रस्त कर दिया था। और उन्होंने जब सूखा पड़ा तब भी अंग्रेजों ने इन लोगों से बलपूर्वक धन वसूला और यहाँ पर जब बहुत ज़्यादा कर बढ़ा दिए गए तो इन लोगों से रहा नहीं गया, तब इन्होंने अंग्रेजों के ऊपर हिंसक बर्ताव किया, उनसे धन वसूला और अंग्रेजों की फैक्ट्रियों की जो लूटपाट की। अंग्रेजों ने आंदोलनकारियों से निपटने के लिए बहुत ही ज़्यादा कठोरतापूर्वक दमन का सहारा लिया था और 1820 तक आते आते ये आंदोलन कुचल दिया गया था। इस आंदोलन का उल्लेख किया गया है वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट विद्रोह की बात करते हैं, कूका विद्रोह जो कि पंजाब में था। इस आंदोलन की जो शुरुआत थी वो की थी जवाहर मल भगत और उसके शिष्य बालक सिंह ने, और जवाहर मल भगत को सियान साहिब भी कहा जाता था। और ये जो शुरुआत हुई थी कूका विद्रोह की, ये हुई थी पश्चिमी पंजाब में और इनका जो मुख्यालय बनाया गया था ये था हाजरों में, हाजरों पंजाब में। इसका जो मुख्य उद्देश्य था आंदोलन का ये था कि सिख धर्म में जो प्रचलित बुराइयां हैं, अंधविश्वास है, उसको दूर करके धर्म को शुद्ध बनाना। इसके बहुत अन्य सिद्धांत थे, वो थे जातीय भेदभाव का उन्मूलन करना, सिखों को समानता का अधिकार देना, मांस मदिरा और अन्य नशीली वस्तुओं के सेवन से परहेज करना, अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन तथा महिलाओं में पर्दा प्रथा इत्यादि को दूर करना इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। प्रारंभ में जो कूका आंदोलन था एक धार्मिक सुधार आंदोलन था, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, बट अंग्रेजों द्वारा जब पंजाब को हस्तगत का मतलब उसे पंजाब को अपने में मिला लिया गया, उसके पश्चात ये आंदोलन राजनीतिक रूप में परिवर्तित हो गया और इसके दमन का प्रयास करने लगे। इसके फलस्वरूप कूका जो आंदोलन था उसके समर्थक एक अंग्रेजों में टकराव होने लगा और अंग्रेजों ने इसे कुचलने के लिए बहुत सारे उपाय अपनाए थे। 1872 में आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे राम सिंह, उनको रंगून भेज दिया गया, निर्वासित कर दिया गया, जहां पर रंगून में ही 1885 में उनकी मृत्यु हो गई, नेता राम सिंह जो कि कूका विद्रोह से रिलेटेड थे। नेक्स्ट विद्रोह की बात करते हैं, सामंतवादी विद्रोह। सामंतवादी विद्रोह ये हुआ था 1844 में आरंभ, सामंतवादी विद्रोह 1844 में आरंभ। इसका नेतृत्व किया था मराठा सरदार फोंड सावंत ने, और सावंत ने कुछ सरदार तथा देसाइयों की सहायता से किलों पर अधिकार कर लिया था और बाद में अंग्रेजी जो मुठभेड़ हुई थी सेनाओं के साथ, उसके पश्चात विद्रोहियों को परास्त कर किले से बाहर खदेड़ दिया गया। कई जो विद्रोही थे वो गोवा भाग गए तथा बचे हुए जो विद्रोही थे उन्हें पकड़कर उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी गई सावंतवादी विद्रोह के अंतर्गत। चलिए आगे विद्रोह की बात करते हैं, नेक्स्ट विद्रोह है पांडेगारों का विद्रोह। पांडेगारों का विद्रोह हुआ था दक्षिण भारत में और दक्षिण भारत में होने वाले विद्रोह में ये एक सबसे बड़ा विद्रोह था। इसमें दक्षिण के पांडेगारों जो किले के अधिपति होते थे उन्हें पांडेगार कहा जाता था,
वो उन्होंने कंपनी की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया और माल गुजारा देना भी उन्होंने बंद कर दिया। और ये विद्रोह चला था 1801 से 1805 तक। इस विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो किया था कट्टबोम नायकन ने, और ये पांडेगार थे। ये कट्टबोम नायकन भी एक पांडेगार थे जो किले के अधिपति थे, और इनको पकड़ने के बाद अंग्रेजों ने इन्हें फांसी दे दी थी। चलिए आगे वाले विद्रोह की बात करते हैं। नेक्स्ट विद्रोह है वेल्लोर का सिपाही विद्रोह। बहुत ही फेमस विद्रोह है ये। ये हुआ था 1806 में। ईस्ट इंडिया कंपनी के खुद भारतीय सिपाहियों ने ही वेल्लोर में विद्रोह कर दिया था, इसमें जिसमें अंग्रेजी सिपाहियों जो अंग्रेज अधिकारी थे वो भारतीय सिपाहियों द्वारा हिंसा के शिकार हुए थे। यहाँ पर इस विद्रोह में टीपू सुल्तान के जो वंशजों ने सिपाहियों का साथ दिया था, जो वेल्लोर के दुर्ग में कंपनी द्वारा नज़रबंद किए गए थे। विद्रोहियों ने दुर्ग पर मैसूर राज्य के राजचिन्ह युक्त झंडे को भी यहाँ फहरा दिया था वेल्लोर में। बट 1806 ईस्वी के अंत तक इस विद्रोह पर पूरी तरह से अंग्रेजों द्वारा काबू पा लिया गया था, वेल्लोर के सिपाही विद्रोह पर। नेक्स्ट हम बात करेंगे नायक विद्रोह की। नायक विद्रोह हुआ था, ये बंगाल के मेदिनीपुर जिले में ये विद्रोह हुआ, और ये उन नायकों ने किया था। नायक का मतलब रैयत, रैयत माने किसान जो होते थे, जिन पर बढ़ी हुई दर लगान की जो दर है वो चुकाने के लिए दबाव डाल रही थी अंग्रेजी सरकार, उन्होंने किया था ये विद्रोह। और 1806 से चला ये विद्रोह, 1816 तक चलता ही रहा। 1806 में कंपनी ने इन नायकों की किसानों की जमीन जब्त कर ली थी। नायकों ने इसके विरोध में कंपनी के खिलाफ छापामार युद्ध आरंभ कर दिया था, जो कि 1816 तक चलता रहा। इस विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो अचल सिंह नामक व्यक्ति ने किया था, जिसने नायकों को सैनिक प्रशिक्षण भी दिया और एक कुशल पलटन तैयार की अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए। चलिए आगे बात करते हैं त्रावणकोर का विद्रोह। नेक्स्ट विद्रोह त्रावणकोर का विद्रोह हुआ था, ये वहाँ के दीवान जो थे त्रावणकोर के, वेलु थम्पी, उनके नेतृत्व में हुआ था ये विद्रोह। वेलु थम्पी ने कंपनी की जो बढ़ती हुई ज्यादतियाँ थीं उनके खिलाफ एक सशक्त विद्रोह के लिए सेना तैयार की, जिसे लगभग एक वर्ष तक कंपनी का अधिकार लगभग ख़त्म हो गया था, अपना एकाधिकार उन्होंने कर लिया था। वेलु थम्पी ने ही 1808 में फ्रांस और अमेरिका से अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता के लिए संपर्क भी स्थापित किया था। वेलु थम्पी ने स्थानीय शासकों से भी सहयोग के लिए संपर्क किया, बट किसी ने भी सहयोग नहीं किया था यहाँ पर। अंत में 1809 में कंपनी की सेना बहुत ही आगे बढ़ाई, तो वेलु थम्पी ने आत्मसमर्पण नहीं किया। इस वीर योद्धा ने आत्महत्या करके वीरगति प्राप्त की, आत्मसमर्पण नहीं किया इन्होंने। तो ये था त्रावणकोर का विद्रोह। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर बरेली का विद्रोह। बरेली का विद्रोह हुआ था 1816 ईस्वी में, और बरेली के लोगों ने यहाँ स्थानीय अंग्रेजी अधिकारियों के जातियों के खिलाफ हिंसक विद्रोह किया, जिसमें दोनों पक्षों के सैकड़ों लोग घायल हो गए। इस विद्रोह का जो तात्कालिक कारण था वो था कि अंग्रेजों ने स्थानीय लोगों पर चौकीदारी टैक्स आरोपित किया और उसे सख्ती से वसूली शुरू की उसकी। इस विद्रोह में लोगों का जो नेतृत्व किया था वो किया था मुफ्ती मोहम्मद ऐवाज ने। इन्होंने बरेली के विद्रोह का नेतृत्व किया था। ये जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने बता दिए। ये तो ये जैसे सारे विद्रोह में करा रही, इसका मेनली कहीं ना कहीं मुद्दा मिलके एक ही आ रहा है। कहीं जमीन जब्त कर ली जा रही है, कहीं कर की दरें बढ़ाई जा रही हैं, कहीं लगान बढ़ाया जा रहा है, कहीं मजदूरी कम दी जा रही है। तो घुमा फिरा के एक ही चीज़ है, बट आपको मेन जो याद करने की चीज़ है कब शुरू हुआ, कब ख़त्म हुआ, नेतृत्व किसने किया, और कुछ अगर एक आध इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं तो वो याद करने की, जैसा कि मैंने इसमें आपको दे रखा है। ये जो मैं आपको पॉइंटर्स बता रही हूँ ये आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मेंस में आप अगर आपको ये याद रहेगा तो अंदर का तो आप थोड़ा बहुत तो आपके दिमाग में रहेगा जब आप प्री की तैयारी करोगे, और मैं डिटेल में आपको यहाँ समझा भी रही हूँ, तो दो तीन बार वीडियो देखने पर आपको पूरा अच्छे से लर्न हो जाएगा कि कौन सा विद्रोह कब कहाँ और क्यों हुआ था। चलिए आगे पढ़ते हैं अपना विद्रोह, अलीगढ़ का विद्रोह। अलीगढ़ का जो विद्रोह हुआ था वो आगरा प्रांत के अंतर्गत हुआ था, अलीगढ़ के किसानों द्वारा किया गया था।
किसानों द्वारा ही नहीं, यहाँ पर जमींदारों ने, अलीगढ़ के किसान जमींदार और जो सैनिक थे, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो प्रशासनिक फेरबदल किया गया था आगरा प्रांत में, अलीगढ़ में, तो वहाँ के फेरबदल से असंतुष्ट थे। इसलिए जब कंपनी ने मालगुजारी बढ़ाने का निर्णय किया, तब उनका असंतोष विद्रोह के रूप में फैल गया। ये विद्रोह 1817 में शुरू हुआ था और इस विद्रोह के जो नेता थे वो थे हाथरस के तालुकेदार दयाराम और मुड़सान के तालुकेदार भगवंत सिंह, ये इसके नेता थे। आप लोग नेता जरूर याद रखिएगा हर विद्रोह के। चलिए आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा के पायकों का विद्रोह। उड़ीसा के पायकों का विद्रोह हुआ था 1817 से 1818 तक। अन्य रियासतों की तरह अंग्रेजों ने भी उड़ीसा में भूमि कर की में बेतहाशा वृद्धि कर दी। सेम रीजन हर जगह होता है और वहां भी वसूली बहुत सख्ती से कर रहे थे। इसके अत्याचारों से हजारों किसान अपने खेत छोड़ के जंगलों की तरफ यहाँ भागने लगे थे। परंतु स्थानीय जो पाइक थे उन्होंने, जो कि मुगल और मराठों के विरुद्ध भी मोर्चा ले चुके थे, पाइक वहाँ की जनजाति थी, तो उन्होंने अंग्रेजों का प्रतिरोध किया और खुर्दा जैसे स्थान पर उन्हें करारी मात दी। इस विद्रोह में पायकों का जो नेतृत्व किया था वो किया था जगबंधु ने, नेतृत्व किया था जगबंधु ने। और ये विद्रोह शुरू हुआ था 1817 से 1818 में, और 1818 तक आते आते ये विद्रोह लगभग शिथिल पड़ गया था। अभी पिछले साल इसके 100 साल पूरे हुए हैं इस विद्रोह के, 2018 में 200 साल पूरे हुए हैं। तो ये विद्रोह 200 साल हो चुका है इसको, तो इसकी एनिवर्सरी 200 साल मनाई गई थी अभी पिछले साल। तो जगबंधु 1921 तक अंग्रेजों का प्रतिकार करता रहा, उससे लड़ता रहा अंग्रेजों से, जगबंधु जो कि उड़ीसा के पायकों के विद्रोह का नेता था। चलिए नेक्स्ट विद्रोह की बात करते हैं। नेक्स्ट विद्रोह था कित्तूर का विद्रोह। कित्तूर का विद्रोह था जब थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, अंग्रेज और मराठा का जब तीसरा युद्ध हुआ था, तो उसके बाद अंग्रेजों ने कित्तूर को स्वतंत्र राज्य मान लिया था। 1824 में उत्तराधिकारी के प्रश्न पर अंग्रेजों का कित्तूर राज्य से विरोध हो गया था, 1824 में हुआ था। और जब उन्होंने अंतिम शासक शिवलिंग रुद्र के उत्तराधिकारी को वास्तविक उत्तराधिकारी मानने से इनकार किया, तो ऐसे में महारानी जो चेन्नम्मा थी वहाँ की, उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह शुरू कर दिया। और बट ये विद्रोह जो था महारानी चेन्नम्मा के नेतृत्व में शुरू तो हुआ, बट अंग्रेजों द्वारा 1824 के अंत तक आते आते इस विद्रोह को दबा दिया गया था। परंतु 1829 में रायप्पा के नेतृत्व में कित्तूर में फिर से एक बार विद्रोह हुआ, और लेकिन उसे भी उसी वर्ष दबा दिया गया था 1829 में ही। तो ये कुछ विद्रोह थे जे जो हमने आज किए। कुछ और, इतने ही विद्रोह और रह गए हैं, अगर मैं सारे कराती हूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में जो बचे हुए विद्रोह हैं वो करेंगे। तो होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फेसबुक चैनल पर, और अपने इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। कमेंट करके बताइए आपको कौन सी वीडियोस पसंद आ रही हैं, क्या वीडियोस देखनी है, कौन सा टॉपिक आपको नहीं मिल रहा है, उस पे मैं वीडियोस जरूर बनाऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।